दोस्तों आपने भी ऐसा ज़रूर सुना होगा कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं उनके दिमाग का दाहिना हिस्सा ज़्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है, और जो लोग नॉर्मल होते हैं उनके दिमाग का बायां हिस्सा ज़्यादा काम अच्छा करता है। मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इंसान का जो दिमाग है आप जैसे इस्तेमाल करते हैं वो वैसे ही काम करता है। दोस्तों मेरा नाम है एस के सिंह और आप देख रहे हैं एडुटॉक इंडिया का पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जिनको आप अडॉप्ट करके डेवलप कर सकते हैं, या कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको आप क्विट करके डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं वीडियो में आपको हर वीडियो में मैं 5-5 फैक्ट बताऊंगा और ऐसे ही मैं कुछ सीरीज़ आपके लिए लेगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आएगी। तो अगले फैक्ट की तरफ बिना देर के बढ़ते हैं। अगला फैक्ट ये है कि अक्सर कहा यह जाता है कि जो स्माइलिंग फेस वाले लोग होते हैं वो थोड़े झूठे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी फेस नेचुरली स्माइलिंग है तो हमेशा हर केस में आप झूठे नहीं हैं या आप झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपके आसपास में कितना पैसा है, धन दौलत शोहरत गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी खुशी को डिफाइन नहीं करती। अक्सर हम इन्हीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अक्सर इन्हीं चीज़ों के पीछे भी भागते हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये सब चीज़ें हैप्पीनेस अक्सर नहीं देती हैं। जो हैप्पीनेस देती है वो क्या चीज़ है, वो है आपका एटीट्यूड और आपकी जेनेटिक क्वालिटी। जेनेटिक क्वालिटी इसका मतलब ये हो गया कि आपके माता पिता में, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं मम्मी या पापा में से हो सकता है हंसमुख हो, खुश मिजाज हो, स्माइलिंग फेस वाले हो, तो ऐसे केस में उनके गुण आप में आते हैं, यानी कि नेचुरल होता है। और कई बार हम अपने एटीट्यूड से हैप्पी रहना सीख लेते हैं। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट ये कहता है कि अक्सर कई बार लोग ये कहते हैं कि फलाने यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है, या फिर रिसर्चर्स ने रिसर्च किया या साइंटिस्ट ने रिसर्च ये किया है कि इंसान को अपने गोल को सेट करने के लिए ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। जबकि हकीकत तो ये है कि लाइफ में अगर गोल सेट करना हो तो इसके लिए कोई फार्मूला होता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में हर इंसान लगभग जो है अपने आप में यूनिक होता है। हर किसी की अपनी कंडीशन अलग होती है, हर किसी की दिमागी परिस्थिति जो है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए इंसान को जब गोल सेट करना होता है तो उसको अपने ही रिसर्च या अपने ही थिंकिंग या अपने ही एटीट्यूड का इस्तेमाल करना पड़ता है, न कि किसी दूसरे के फार्मूले को। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि आपको छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती है, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा नहीं है, आपकी पर्सनालिटी के लिए ये हानिकारक है। कैसे हो सकता है, आपने 4-5 साल पहले किसी से मुलाकात की थी और जान पहचान भी की थी, लेकिन 5 साल के बाद अगर वो आपसे मिले और अचानक से आप उसका नाम भूल गए तो सामने वाले पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है और ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है द गूगल इफेक्ट, यानी कि हम हर छोटी छोटी बातों को भूलते हैं और कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है। अगर अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो ये अवगुण आपको अपने में से हटाने होंगे। चीज़ों को याद रखना होगा, लोगों को याद रखना होगा। आप जितना चीज़ों को याद रख पाएंगे, अपने दिमाग में स्टोर कर पाएंगे, आप बेहतर इंसान बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए गए जो फैक्ट्स हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद भी और भी इसके पार्ट्स आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट्स तक के लिए नमस्कार।